सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब यूनिक एजुकेशन चैनल को और इस यूट्यूब के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिस पर क्लिक करें और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देख लेंगे सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड। हेलो दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपने एंड्रॉयड मोबाइल में डबल ऑप्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डबल ऑप्शन को इनेबल कर लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है ये डबल ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन दिए होते हैं या जो फीचर्स दिए होते हैं उनके बारे में एग्जैक्टली आपको पता है क्या? तो आप उनका क्या काम है या उनका क्या यूज़ होता है, तो आज हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो डबल ऑप्शन के अंदर जो फीचर्स हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम डबल ऑप्शन के जो सारे फीचर्स को हम एग्जैक्टली बताने बैठ जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जिसे आप देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हम आपको 15 फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी एंड्रॉयड मोबाइल में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में डबल ऑप्शन हाइड रहता है। अगर आपको डबल ऑप्शन को देखना है तो आपको अपने मोबाइल में डबल ऑप्शन को इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के अबाउट फोन सेट में क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिखेगा जिस पे आपको 7 बार टैप करना है, यानी कि 7 बार क्लिक करना है। 7 बार क्लिक करेंगे ऐसे ही आपका डबल ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और जैसे ही बैक करेंगे आपको वो ऑप्शन दिखने लगेगा। फ्रेंड जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे आपको जो फीचर्स देखेंगे कि आपको ये फीचर्स के बारे में पता है क्या, तो इस वीडियो में हम आपको उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। ऐसे में अगर हम आपको सारे फीचर्स बताने बैठ जाएं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा जिसे आप देखना पसंद नहीं करेंगे। फ्रेंड तो इस वीडियो में हम आपको 15 जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताने वाले हैं जो हर एंड्रॉयड मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड फर्स्ट फीचर्स है स्टे अवेक। इस ऑप्शन की मदद से आप जब भी अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाएंगे और इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं होगी कभी। अब चाहते हैं आपकी जो स्क्रीन है वो ऑन ना हो तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है OEM अनलॉक। इस फीचर्स को आप लॉलीपॉप वर्जन या उससे अधिक वाले मोबाइल के वर्जन में देखने को मिलता है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने कस्टम रोम को इनेबल करके अपने मोबाइल के जो वर्जन पुराने वर्जन को न्यू वर्जन में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस अपने मोबाइल के न्यू वर्जन को इसकी मदद से, तो पहले आपको कस्टम रोम को इनेबल करना होगा तभी आप अपने मोबाइल में पुराने ओल्ड वर्जन को न्यू वर्जन में अपग्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस फीचर्स का बस यही यूज़ है। नेक्स्ट फीचर्स है रनिंग सर्विस। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में एक्टिव हैं उसे ये पता लगा सकते हैं आपकी रैम कितनी खा रही है और रैम कितनी कंज्यूम हो रही है। तो आप बेसिकली इस ऑप्शन की मदद से आप पता लगा सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट फीचर्स है USB डिबगिंग। इस ऑप्शन की मदद से अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे और जो भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज़ करते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसे हम अपने लैपटॉप में शो करें, तो आप इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा। उसके बाद आपका लैपटॉप सॉफ्टवेयर उसे आइडेंटिफाई करेगा, फिर आपकी जो स्क्रीन है उस लैपटॉप में शो करने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो मोबाइल है उस USB डिवाइस के रूट करना है तो इस ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है अग्रेसिव वाईफाई एंड सेल हैंडओवर। इस ऑप्शन की मदद से आप मोस्टली वाईफाई नेटवर्क की जो भी आप वाईफाई नेटवर्क यूज़ करते हैं, मतलब कि आप मान लें मूवी वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं या फाइल कोई भी इंटरनेट डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसे में चाहते हैं कि आपको कोई इंटरनेट इश्यूज ना हो तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन है USB कॉन्फ़िगरेशन। इस ऑप्शन की मदद से आप लैपटॉप में अपने मोबाइल को कनेक्ट करके आप कोई भी फाइल्स या फोटोज़ या कैमरा में देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट फीचर्स है शो टचेस। इस ऑप्शन की मदद से सिंपली आप अपने जब भी आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आप जब एक बॉल तरीका जो बॉल तरीका की शो करेगी, आप जैसे ही उस कहीं में आप टच करेंगे तो सिर्फ ये टचेस को शो कर दिखाएगा। बस इसका मोस्ट यूज यही है जिस टचेस को दिखाता है। फ्रेंड तो मैं नेक्स्ट फीचर्स है पॉइंटर लोकेशन। इस ऑप्शन की मदद से अपनी
इस ऑप्शन की मदद से आप जब भी आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो ये सिर्फ आपकी जो लोकेशन है उससे बस सिर्फ ट्रिक दिखाएगा लोकेशन को। जैसे आप टैप करेंगे कहीं तो आपकी वो लोकेशन को ट्रैक करेगा। तो सिंपली इसका यूज़ ये है, सिर्फ ये लोकेशन को ट्रैक करता है आपने कहाँ कहाँ टैप किया है। तो नेक्स्ट फीचर्स है विंडो एनिमेशन स्किल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने एनिमेशन स्केल को यानी आप जो भी पिक्सल्स आप ज़्यादा कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है कोई भी एप्लीकेशन वगैरह खोलेंगे तो बहुत ही स्लो खुलेगी। ऐसे में अगर आप उससे कम करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है मोर देन कंपेरिजन हाई उससे ज़्यादा वो जल्दी फास्ट ओपन होगी। नेक्स्ट फीचर है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल्स, इस ऑप्शन की मदद से आप जो एप्लीकेशन खोलते हैं उसकी जो गैप होता है जो ट्रांजिशन होता है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसकी मदद से? इस ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल की मदद से। नेक्स्ट फीचर्स है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इस ऑप्शन की मदद से आप जो एनिमेशन है उसकी जो ड्यूरेशन आप सेट करना चाहते हैं आप कितनी देर तक आप दिखाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट फीचर्स है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्लेज, इस ऑप्शन का यूज मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। मोस्टली इसका यूज़ सिर्फ ये है अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपकी छोटी सी विंडो स्क्रीन शो करेगी जिससे आप कोई भी स्क्रीन उसमें फ़ोटो या वीडियो वगैरह दिखा सकते हैं। बस मोस्टली इसका यूज़ यही है फ्रेंड, आप भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है टर्न ऑन फॉरेक्स MSAA, ये मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इंटरेस्टिंग भी है। ये फीचर्स ओनली गेमर्स के लिए हैं जो गेमिंग वगैरह करते हैं। मान लीजिए आप अगर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली गेमिंग की और उसमें आप देखते हैं कि जो ग्राफिक्स हैं वो अच्छे खासे नहीं हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो उससे ज़्यादा आपकी जो गेमिंग की परफॉर्मेंस बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ये इस ऑप्शन की मदद से काफ़ी हद तक अपनी ग्राफिक्स को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड और आप आसानी से गेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है सो CPU यूजेस, इस ऑप्शन का मोस्ट यूजेस यही है कि आप ये CPU को मॉनिटर करता है मतलब कि दिखाता है आपके मतलब रैम कितना यूज़ हो रही है आपकी बैटरी कितनी यूज़ हो रही है, सिंपली ये CPU को मॉनिटर करता है। तो मोस्टली बस यूज़ इसका यही है बस। नेक्स्ट फीचर्स है टर्न ऑन इस ओपन GPL ट्रेस, इस ऑप्शन की मदद से अपनी लोकेशन को फेक लोकेशन में चेंज कर सकते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, क्योंकि अगले बार हम वीडियो अपडेट लाते रहेंगे। आप इस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये जानकारी आपको रिलीवेंट लगी हो तो आप दूसरों के साथ ये शेयर करें और अगर कोई भी डाउट हो तो हम नीचे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे फ्रेंड। और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें और अगली वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचेगी फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय।